Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to add two numbers in Python. Python में दो numbers को add कैसे कर सकते हैं. पहला तो हम ये सीखेंगे कि जो user enter करे वो, और दूसरा without using user enter नहीं करेगा, उसमें पहले से values fit होंगी और उसको add करना हम सीखेंगे. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले Python open कर लेते हैं. यहाँ से मैंने Python open कर लिया है. यहाँ पे हमें देखिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ. देखिए यहाँ पे पहला वेरिएबल बनाया मैंने ए, इसमें रख दिया यहाँ पे 70, ठीक है. यहाँ पे मैंने ए एक वेरिएबल बनाया, इसमें 70 स्टोर करा दिया. फिर बी बनाया इज इक्वल टू 90, ठीक है, इसमें 90 स्टोर करा दिया. इन दोनों में हो गया. अब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया हमने, यानी इसको डिफाइन कर दिया हमने. अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सी की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ सी लिखिए और यहाँ देखिए सी की वैल्यू आ गई 160. यूज़र वाला इनपुट हम देख लेते हैं कि कैसे हमें लेना है, फिर बात करेंगे हम सी लैंग्वेज की, ठीक है. तो चलिए इसको देखते हैं कि यूज़र से हमें किस प्रकार से इनपुट लेना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं. हम यहाँ से न्यू फाइल चूज करते हैं सीधा, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो काम करना है वो यहाँ पे करना है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू इंट इनपुट, x इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्लोज करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर होगा. इसके बाद नीचे आएंगे y इक्वल टू, ठीक है, फिर करेंगे इंट, फिर इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर. सो ये डबल इंटेड कॉमा के अंदर रहेगा. यहाँ मैं इसे डबल इंटेड कॉमा के अंदर कर देता हूँ. यहाँ पे कैपिटल ई कर देता हूँ और ये हो गया आपका. इसको क्लोज करेंगे डबल इंटेड कॉमा, और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा. तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं. अब इसको हमें डिफाइन करना होगा. डिफाइन कैसे करें, आइए इसको डिफाइन भी कर देते हैं. इंट इनपुट हो गया. अब तीसरा वेरिएबल बनाऊँगा मैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई, ठीक है. मैंने यह कर दिया सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके. अब हमें क्या करना है, एंटर करना है, और एंटर करके यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है. तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम क्या करा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ. इसको हमको डबल इंटेड कॉमा में लिखना होगा. किसका किसका एडिशन करा रहे हैं, यहाँ कॉमा देंगे सबसे पहले एक्स का, ठीक है, कॉमा एंड, तो एंड को भी डबल इंटेड कॉमा में लिखेंगे एंड. अब यहां पे कॉमा देंगे वाई, ठीक है, एक्स और वाई का एडिशन जो आएगा वो क्या होगा, इज, यहां पे मैं करूंगा इज, डबल इंटेड कॉमा में लिखेंगे इज. अब यहाँ पे कर देंगे हम सी, चूंकि वैल्यू जाके सी में स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे सी कर दिया हमने. अब एंटर करिए, और स्क्रीन को पॉज रखने के लिए यहाँ पे हमें लगाना है इनपुट, ठीक है, इससे स्क्रीन पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी, ठहर जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे हम लगा देंगे इनपुट, ठीक है. इसको सेव करेंगे हम यहाँ से, आइए सेव करते हैं. यहाँ पर मैं सेव करता हूँ इसको आई नाम से. डॉट पी वाई लगाना मत भूलेगा, ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है. आइए अब इसको रन करवाने की बारी है, तो इसको रन करवाते हैं. यहाँ पे आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, आप देख सकते हैं. तो यहाँ मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 88, एंटर किया. अब कह रहा है एंटर द सेकेंड नंबर 89, और यहाँ देखिए इन दोनों का सम होकर आ गया है 177. तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं. आइए अब इसी में एक और प्रोग्राम हम देखते हैं. ये प्रोग्राम जो हम बनाने वाले हैं, ये हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमें वही दो वेरिएबल बनाने होंगे, और तीसरा वेरिएबल भी बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे. तो हम वही वेरिएबल x रख लेते हैं, x इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है,
अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिखना है डबल इनवर्टेड कॉमा में, तो एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको क्लोज किया, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अब एक और वेरिएबल वाई, वाई इज इक्वल टू इंट इनपुट, इंट इनपुट, एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, इसको यहां से करिए क्लोज, यहां से करिए क्लोज, और अब हमें करना है यहां पे एंटर, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं मैं, यहां पे करेंगे सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई, चूंकि हमें अभी क्या कराना है, अभी हमें कराना है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट में आएंगे, तो अब यहाँ प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ध्यान से थोड़ा, ठीक है, तो चलिए प्रिंट करवाते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन जो हम लिखेंगे ये डबल इनवर्टेड कॉमा में होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मल्टीप्लीकेशन चूंकि ये स्क्रीन पे ज्यों का त्यों प्रिंट होकर आएगा, ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब पहला नंबर जो है वो क्या है, कॉमा देंगे एक्स कॉमा, ठीक है, अब फिर दूसरा क्या है, वाई है, तो फिर कॉमा देंगे, अब फिर हमको क्या करना है, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे इज क्या है, कॉमा देंगे, सी में जाके स्टोर हो रहा है, सी लिख दिया हमने यहाँ पे कॉमा दे करके, और इसको यहाँ से अब एंटर करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करने के लिए इनपुट, तो यहाँ इनपुट दे दिया हमने, और यहाँ से करेंगे इसको क्लोज, हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको सेव कीजिए, यहाँ पे मैं मल्टी के नाम से सेव करता हूँ, डॉट पी वाई लगा देंगे, एंटर करेंगे, सॉरी ये पहले से ये नाम है इसमें, मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, डबल एल कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही रन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है नीचे, एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं 6 एंटर करता हूँ, ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, इसको दोबारा से ओपन करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम किस नाम से था, एम यू डबल एल डॉट पी वाई, यही हमारा प्रोग्राम था, इसको ओपन करते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो ठीक ठाक बना हुआ है, इसको रन करवाते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर 6, अब यहाँ पे सेकंड नंबर आ रहा है 8, तो 6 में 8 का मल्टीप्लिकेशन 48 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। अब अगर आपको कोई दूसरा प्रोग्राम बनाना है, जैसे सपोज कीजिए सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसका ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, इस वजह से ये a इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है, क्लोज किया, यहाँ पे b इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ये दे दिया हमने, क्लोज किया इसको, और एंटर करके नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, तो हमको जो भी कराना है, चाहे मल्टीप्लिकेशन कराना हो, सब्ट्रैक्शन कराना हो, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे सी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे अब प्रिंट में हमें सावधानी रखनी है, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, बंद करिए, कॉमा दीजिए, ए कॉमा बी कॉमा,
ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे डबल नोटेड कॉमा रखना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे डबल नोटेड कॉमा में इज, सॉरी इज क्लोज कॉमा सी, ठीक है, इसको बंद कीजिए। और अब यहाँ पर हमें एंटर करना है प्रेस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इनपुट, क्योंकि स्क्रीन को हम पॉज कराएंगे इनपुट फंक्शन से, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेव, और यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डॉट सी नाम से, डॉट पी वाई नाम से इसको सेव करेंगे। तो ये डॉट पी वाई से सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जा करके इसको रन करवाएंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ 7 फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया 4, तो 7-4 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये बहुत ही आसानी के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं विदाउट यूज़र, यूजिंग यूज़र, दोनों मैंने आपको दिखाया। अब लास्ट जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डिवीज़न करवा के, ठीक है। तो चलिए आइए डिवीज़न करवाते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं एक्स इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, x इक्वल टू इंट इनपुट। अब यहां पे जो इनपुट करवाना है एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, बंद किया इसको, नीचे आएंगे y इक्वल टू इंट इनपुट, यहां पे लिखेंगे एंटर द सेकेंड नंबर। आपका काम हो चुका है, सी में जाकर स्टोर हुआ है। अब यहाँ इनपुट कर दीजिए बस, आपका काम हो चुका है। यहाँ पे हमारा एंटर करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करेंगे div.py के नाम से, पहले से सेव है तो कोई और इसमें चेंज कर देंगे, ये भी सेव है तो कुछ और चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब इसको रन करवाने का वक्त है, तो इसको रन करवा दिया हमने। ओहो, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हमने, यहाँ कॉमा छूट गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको सेव करता हूँ, अब ये प्रोग्राम चलेगा, इसको रन करवा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने एंटर किया 6, फिर एंटर किया हमने, सॉरी यहाँ पर एंटर किया 6, यहाँ पे एक काम करते हैं DIII, इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ यहाँ से DIII, ठीक है, यही हमारा प्रोग्राम, इसको ओपन करिए, ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ से रन करवाइए, तो ये रन हो गया। अब यहाँ कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ 6 एंटर किया हमने, दूसरा जो नंबर है वो 2 एंटर किया, यहाँ इसका जो आ रहा है 2, 3 या 6, तो यहाँ 3 आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको दोबारा से ओपन करता हूँ मैं इसी प्रोग्राम को, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ DIII, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से देखेंगे, यहाँ पे देखिए अब इस प्रोग्राम को मैं रन करवा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है, नीचे। और यहाँ पे इंटर द फर्स्ट नंबर 7 अगर इंटर करता हूँ और 3 अगर इंटर करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, आंसर 2.3333। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा डिवाइड भी काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है और डिवीज़न भी काम कर रहा है। आई होप कि बात समझ में आई होगी, अगर मेरी बात समझ में आए तो हमारे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।